पैसे को मैं हर वर्ष व्रत रखता हूँ। इसके साथ साथ जहाँ तक सफाई व्यवस्था या शहर के या गाँव के अन्य कार्य है उनको भी हम पीछे नहीं रहने देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ एनिमल लाइव हरियाणा पे दोबारा से। जैसे कि आपको बता दें, हम आज शिवरात्रि के पावन अवसर पर श्री तारा बाबा जी कुटिया में आए हुए थे, तो यहाँ पे सिरसा के डीसी का भी आगमन हुआ है, तो हम उनसे जानेंगे कि उनका यहाँ का एक्सपीरियंस कैसे रहा और शिवरात्रि वो कैसे मना रहे हैं और उनको सिरसा की तारा बाबा कुटिया कैसे लगी, तो आइए उनसे हम बात करते हैं। तो महाशिवरात्रि आज आप आए तारकेश्वर धाम में, किस प्रकार का अनुभव हुआ? महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में, जो कि हिंदुओं का एक पवित्र त्यौहार है, सभी सिरसावासियों को व इस देव को मानने वाले विश्व में सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये मेरा सौभाग्य है, वैसे तो मैं हर वर्ष व्रत रखता हूँ कि यहाँ पे तारकेश्वर धाम में आया और यहाँ पे मैंने पूजा अर्चना की और बहुत ही बेहतर महसूस किया। और मैं पहले की भांति हमेशा इस त्यौहार पे फास्ट रखता हूँ और बिल्कुल जो हमारी शास्त्रों के द्वारा जो दी गई रीति है उसका पालन करने की कोशिश करता हूँ। मैं अपनी तरफ से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ और विशेषतः जो हमारे मंदिर संचालन समिति में गोविंद जी और हमारे विधायक जी और उनकी पूरी टीम और बहुत सारे जो हमारे साथी वहाँ जो मंदिर में वो लोग थे जो स्वयं आके अपनी वहाँ पे कार्य कर रहे थे, बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। सर, आप आए हैं और आते ही कहते हैं कि सब एक्शन मोड में आ गए हैं, तो कई जगह आपने विजिट भी किया जैसे, तो सिरसा की जो कुछ समस्याएं सफाई व्यवस्था और इनको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, स्वाभाविक है, चुनाव बहुत जल्दी डिक्लेयर होने वाले हैं और चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है। पहली बात तो ये कि भारत का चुनाव दुनिया में सबसे बड़ी एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज है और उसके लिए तैयारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे बहुत कम टाइम मिला है यहाँ आए हुए, तो इसलिए जितना जल्दी मैं कर पाऊँगा बेहतर होऊंगा। इसके साथ साथ जहाँ तक सफाई व्यवस्था या शहर के या गाँव के अन्य कार्य हैं उनको भी हम पीछे नहीं रहने देंगे, लेकिन जो चुनाव की प्रक्रिया है उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। शुक्रिया जी, ठीक। तो हाँ जी दोस्तों, आपने देख लिया कि सिरसा के डीसी का शिवरात्रि के पावन अवसर पर कुटिया में आने के बाद हमारे साथ क्या कहना था। आप लोगों को भी शिवरात्रि की पावन अवसर पर बधाई देते, वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।